बारिश हो रही है, दो आदमी चार आदमी बात कर रहे हैं, कोई मतलब उग्र हो रहा है। इतने प्रेम से इतने अच्छे से बात करके निस्तारण कराने के पश्चात भी आपने अध्यक्ष जी को भ्रमित किया, तो मैं कैसे आपकी बात स्वीकार कर लूं भाई? आप पूछ लीजिए वहां जो लोग थे, राकेश माने से लेकर चार आदमी आपके तरफ से भी थे, आप उनके घर चले जाएं, आप उनसे बात कर ले वहां, मतलब किस तरह से आदर से मैंने बात किया। मैंने निकलते निकलते यहां तक कहा कि मैं चाय पिला के आप लोग को भेजता, लेकिन हमको जाना है दुर्गा कुंड मंदिर, हमको जाना है शंकर मोचन। उसके बाद भी अगर आपका वो शांत नहीं हो रहा है तो आप जान लीजिए कि दुर्व्यवहार एक अलग समस्या है, लेकिन जो जांच है उसकी जांच हम लोग मतलब कर रहे हैं, उस जांच में जो भी तथ्य निकलेगा उस पर विधिक कार्रवाई होगी और उसके लिए आप भी सहमत हो जो फैक्ट निकले। मैं बताऊं सुनील जी, इसमें कोई शक नहीं कि आप अपनी बात, साहब ने अपनी बात कही, यह अफसर हैं आपके सामने, हमने इनकी बात कही। मैं अनुरोध करूंगा, आपने यह बातें मुझे बताई जो मैंने कहा, इन्होंने जो कहा उसका दुर्व्यवहार के मुद्दे पर आपका क्या कहना है, तो इंस्पेक्टर द्वारा और इनके द्वारा उस पर क्या कहना है? इन्होंने सर से तो कोई मतलब नहीं, हमको सर तो बहुत इज्जत से, तो बताइए मैं अगर आपके कहने पे, आपने आपने ये मुझे बताया था ना कि उन्होंने कहा कि अगर वो जो है प्रदर्शन करोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा। सर परसों से मत करना, तुम जाकर हो गया तुम्हारा दोनों का हो गया, क्या गलत कहा मैंने, आप देख ले इसमें क्या मैंने गलत कहा कि अब आप लोग प्रदर्शन मत करना, दोनों का हल करा दिया मैंने और मूल सारा कार्य छोड़ के शहर का हम लोग यहाँ खड़े हैं, कल उपराष्ट्रपति आ रहे हैं। मैं शर्मिंदा हूँ। अब मूल घटना के बारे में बताइए, शुरू से हो गया। नहीं नहीं, केवल दुर्व्यवहार वाली बात, बाकी में इनको क्या अभी अपना जांच कर ही रहे हैं, मुझे क्या बता रहा हूँ, मुझे अधिकार नहीं है। जहाँ रहता है मैं फिर बता देता हूँ आपको, इसके द्वारा बुलाया गया, गए थे तो सर बोले कि क्यों आए हो भाई तुम यहाँ पे, चलो थाने से बाहर जाओ। तो हम कहे ठीक है सर, क्यों थाने से बाहर जाओ, बाहर की बताएं, बस हम बाहर चले गए। बस इतनी सी बात, इतनी सी बात है सर, आप बताएं, आप भी पुलिस सर्विसेज में रहे हैं, अगर थाने के अंदर कोई पक्ष लड़ रहा है या उग्र हो रहा है तो अगर थाने के बाहर जाने कहा गया तो उसमें अगर आप ईगो बना के निवास करो, मैं आपको शुद्ध बता दूं, केवल आपको भ्रमित किया गया। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, इसलिए मैं चूंकि सीधी आपसे वार्ता नहीं हो पाई हमारी, लेकिन मैंने उचित माध्यमों से सारी बातें बताई हैं। कल इनका फोन, अध्यक्ष का फोन आया था, मैं सारी बातें इनको आधे घंटे फोन पर बताई कि भाई साहब केवल और केवल अध्यक्ष जी को भ्रमित किया जा रहा है, केवल और केवल अपना लाभ लेने के लिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर किसी ने एक भी दुर्व्यवहार किया होता, छुआ भी होता, पूछ लीजिए आपके सामने, इन्होंने मतलब स्वीकार किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, केवल थाने से बाहर जाने के लिए कहा गया। अब अगर थाने में कोई उग्र हो रहा है उसको थाने से बाहर जाने के लिए कह दिया जा रहा है, इस पर अगर अपराध बन रहा है तब तो मतलब पुलिस जाँच कैसा है? प्रवीण जी बताए, मैं देखिए मैं बात समझ गया और मैं सबके सामने मैं सार्वजनिक रूप से आपसे क्षमा मांग रहा हूँ, क्योंकि अगर हम अपने पार्टी के किसी आदमी की बात के लिए लड़ने आएंगे तो अगर आपकी बात सही होगी और क्षमा नहीं मांगेंगे तो मेरे लिए कष्टप्रद होगा। मैं सार्वजनिक रूप से आप क्षमा मांग रहा हूँ यह बात, और आपके लिए भी और सभी साथियों से अपने भी कह रहा हूँ, है ना, कि हमें इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी और मैं वास्तव में क्षमा प्रार्थी हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, है ना। जो गलत है वो गलत है। दूसरी बात है कि देखिए मैं ये कहूँगा कि इनके मामले में जो विधिक आपको लगे, अगर आपने गलत किया है तो मैं उसकी नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको लगे कि इनकी आप पर इन पर रहम कर सकते हैं, क्योंकि बेचारे अभी संदर्भ में पड़ गए तो आप देखिए ना देखिए आपका काम है, लेकिन प्रथम दृष्टया इस संदर्भ में जिसमें मैं आया था, मेरे पास कहने के लिए सिवाय क्षमा के अलावा नहीं, कुछ नहीं, 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 आप, नहीं है। अरे भाई मैं कह रहा हूँ सम्मान अलग चीज़ है, इसीलिए मैंने सारी बातें जिलाध्यक्ष जी को भी आपने बताई और मैंने उन्हीं के अनुरोध पर उसको मैसेज करके भेजा कि भाई ये चीज़ प्रकरण है। अब आपको सारे फैक्ट नहीं बताए गए, खैर कोई बात नहीं, आप आए हैं नहीं, अब हम लोग अब आप अपना काम कीजिए, आपका जो भी समय लगा उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आप लोग के सामने क्षमा मांग रहा हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपकी, आपको पूरी बात सुनील जी नहीं बताए थे क्या? नहीं यह बातें नहीं आई थी, मतलब जो थी उसी, वरना जो है भ्रम की स्थिति क्यों होती थी, कहीं ना कहीं की बात आई, दोनों पक्षों की बात जब सुनील तक पहुंचा है। चलिए अब आप अपना देखिए, हम लोग को आप भूल जाइए, वहाँ तक चलते रविदास भी अगर हो जाए थोड़ा सा रूट की बात है, ऐसा है आपके साथ चल चलेंगे, आप 100% मान लीजिए ऐसा है, कोई बात नहीं जी। अगर देखिए जिस प्रकरण के संदर्भ में मैं यहाँ आया था, हमारे एक साथी हैं सुनील तिवारी जी हमारे साथ खड़े हैं, तो मैं अंततोगत्वा यह कहूँगा कि निश्चित रूप से इसमें भ्रम की स्थिति थी, और अगर पुलिस ने इसमें जो गलत नहीं मैंने पाया तो मैंने एसीपी से आप लोगों के सामने और सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना भी की, क्योंकि हमारा यह मानना है कि हमें किसी के पक्ष में गलत नहीं करना चाहिए, मात्र इसीलिए कि हम एक राजनीतिक दल हैं
तो हम अपनी गलत बात को भी सही ठहरावे ये मुझे पसंद नहीं है, न इसके लिए हम राजनीति में हैं। साहब जी किस तरीके से आपको भरोसा दिया गया था, इसलिए आप आए हैं, किस तरीके भरोसा? नहीं, मुझे लगता है, देखिए अब मैं उसको यह कहूँगा कि मैं भ्रमित कहने की जगह मैं कहूँगा कि कई बार व्यक्ति विशेष का अपना अपना, हर व्यक्ति की अलग अलग संवेदना होती है, तो यह इन्होंने भ्रमित ही किया यह शब्द न कह के मैं यह कहूँगा कि इस बारे में संवेदनाओं के स्तर पर कहीं ना कहीं उनके कहने, उनकी भावना और मेरे समझने या जो कुछ भी उसमें अंतर रहा। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है? इस प्रकरण में जिस संदर्भ में मैं आया हूँ उस संदर्भ में मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, यह बात मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूँ और मैंने इसके दृष्टिगत ACP से सार्वजनिक रूप से मैंने क्षमा याचना भी की है। मतलब क्या